दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का पार्ट टू का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हूँ। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व करेंगे। मैंने कल के दिन ही आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके दिया। अगर आप नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर देख लेना। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करेंगे और आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 को हम लोग वाइंडिंग अप कर देंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सेगमेंट आर एम, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। क्या हमें क्या पूछा है, सेगमेंट आर एम, हमें एक सेगमेंट दिया है, देखो आर एम नाम का एक हमें सेगमेंट दिया है एंड सेगमेंट आर एन, हमें यहाँ पे एक सेगमेंट और दिया आर एन, आर टेंजेंट सेगमेंट, ये हमारा क्या टेंजेंट है। मैं आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट हम लोग किसे कहते हैं कि आके अगर वो सर्कल के बाहर के लाइन जैसे को छू के अगर जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। फिर प्रूफ दैट सेगमेंट क्यू आर, जो हमारा जो सेगमेंट जो ये जो क्यू आर है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एम आर एन ने, एम आर एन एम आर एन ए को, और एज वेल एज एंगल एम ओ एन, ये जो हमारा जो क्यू आर जो है हमें बाइसेक्ट करता है कहाँ से, एम आर एन और एम ओ एन, हमें इसको प्रूफ करके देना है। देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन आते ही बहुत लोग का एकदम हालत ख़राब हो जाता है, भाई प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, सिर्फ देखते जाओ, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में आपका आंसर हो जाएगा प्रूफ। तो कैसे होगा उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट मैं आपको यहाँ से सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अपना क्वेश्चन वेश्चन लिख लेना। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस पूरे को। सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है, आप वो लिखो, क्या लिखोगे, टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है पहले पता रहना चाहिए, आपको प्रूफ दोस्तों क्या करना है, आपको यही प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट सेगमेंट। तो आप यहाँ से लिखो सेगमेंट क्यू आर बाइसेक्ट्स, क्या हो रहा है, क्यू आर क्या हो रहा है हमारे साथ, बाइसेक्ट हो रहा है किसी से, एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन, यही आपको प्रूफ करके देना है ना। हम लोग प्रूफ कर देंगे, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। हम लोग इसका प्रूफ शुरू करते हैं, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करना इसका शुरू कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे। ओके, तो आपको अगर आजू बाजू की नॉइस सुनाई देगी उसको आप लोग कैंसिलेशन करते जाना। एक मिनट, आपको मैं यहाँ पे इस फिगर को देख के हम लोग प्रूफ करेंगे, सब कुछ इसमें फिगर पे ही सभी डिपेंडेंट है। तो लोग प्रूफ शुरू कर रहे हैं, आप लोग इसको इसमें ध्यान से देखो, आपको कुछ इसमें आपको कुछ ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, मुझे तो दिख रहे हैं क्या, ट्रायंगल ओ एम आर, क्योंकि यहाँ पे भी ए 90 फॉर्म होगा क्योंकि ये टेंजेंट है। मैं आप लोग को कल के दिन भी था बताया, परसों भी था, हमें ट्रायंगल दिखा ओ एम आर और ओ एन आर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ओ ट्रायंगल ओ एन आर, इतना समझ में आया मैंने कैसे लिखा, अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, बिंदास कोई डाउट नहीं है। फिर सेगमेंट, यहाँ पे देखो हमारा जो लाइन है सेगमेंट ओ एम, हम लोग उसको लेंगे सेगमेंट ओ एम जो रहेगा वो कॉन्ग्रेंट रहेगा किससे, सेगमेंट ओ एन से, क्योंकि भाई एक ही सर्कल का रेडियस है, इसके लिए इसका क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा ओ एन से। हमने ऐसा क्यों लिखा, तो इसका रीज़न है क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है इसलिए। फिर आप लोग इसमें और कुछ देखो, आप लोग को कुछ और दिख रहा है क्या, मुझे दिखा, देखो एम आर और आर एन, क्यों एम आर और आर एन, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम है। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट एम आर कॉन्ग्रेंट है किसके साथ दोस्तों, एम आर हो गया आर एन के साथ है। अभी इसको आर एन लिखो, एन आर लिखो, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, टेंजेंट थ्योरम, भाई हमारा टेंजेंट थ्योरम से होता है। ओके, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, टेंजेंट थ्योरम को ले लिया। फिर यहाँ पे आप देखो, ये चीज़ आपको और दिखेगा, हमारा ये जो सेगमेंट ओ आर है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन सेगमेंट है ये सबका, अभी चाहे वो ओ एम आर हो ओ आर एन हो, जो हम लोग यहाँ पे माने ओ एम आर ओ आर एन, ये दोस्तों सबका एक कॉमन सेगमेंट क्या है, ओ आर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेगमेंट ओ आर कॉन्ग्रेंट है किसके साथ, ओ आर के साथ, क्यों है, क्योंकि भाई ये कॉमन है, क्या कॉमन सेगमेंट है दोनों के लिए, कॉमन सेगमेंट था इसलिए क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया आपस में। ओके, इतना तो आपने प्रूफ कर दिया ना, यहाँ तक आपका प्रूफ हुआ। तो अभी आप एक चीज़ बोल सकते हो क्या, कि जो आपका जो ट्रायंगल ओ एम आर ओ और ओ एन आर है
इसी तरह आप लिखो ट्रायंगल OMR वो कॉन्ग्रेंट है ONR से, ONR से इसको लिख के आप इस तरीके से इसको बॉक्स फॉर्म दे सकते हो। और एक क्यू है तो आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, बाई एस एस टेस्ट, एस ए एस टेस्ट से क्यू आपका ये सिमिलर है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, मतलब हमारा जो ट्रिपल एस टेस्ट है उससे हमारा क्या होता है प्रूफ ये अभी हुआ है, अभी हमारा आधा ही प्रूफ हुआ है। अभी आप लोग का एस एस ट्रिपल एस टेस्ट क्या होता है, मेरे चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको सब ये सब दिया, ट्रिपल एस टेस्ट एस एस टेस्ट, आप लोग अगर पिछला कंसेप्ट देखेंगे तो आपको मालूम होगा। ओके, अब फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, हमारा हमें तो अब मालूम पड़ गया कि हमारा ट्रायंगल OMR और ONR क्या है, OMR और ONR क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम लोग अब ऐसा बोलेंगे कि एंगल MRO, एंगल MRO और NRO भी तो कॉन्ग्रेंट होगा, एंगल MRO और एंगल NRO भी कॉन्ग्रेंट होगा। जब दोस्तों इसे बोले तो हम लोग एक चीज़ और भी तो ले सकते हैं, MOR और NOR भी तो ले लेंगे, क्योंकि MRO और NRO जब कॉन्ग्रेंट हो तो हो सकता है, तो MOR और NOR नहीं हो जाता क्या, हो सकता है ना। फिर लिखो एंगल MOR कॉन्ग्रेंट है एंगल NOR से, लेकिन क्यों कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसके पीछे क्या है रीज़न है, तो आप रीज़न लिखो, क्या लिखोगे, करोस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट साइड, ये हमारा क्या होता है रीजन होता है, करोस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आप लिख सकते हो, या तो साइड्स भी लिखोगे तो कोई बात नहीं होगा, आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि हमारा ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट है और उसकी साइड भी कॉन्ग्रेंट है, हम लोग चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है, क्या है सेगमेंट जो हमें दिया था यहाँ पे, कहाँ पर गया, सेगमेंट क्यू आर जो है ये बाइसेक्ट करता है इसको एंगल एम आर एन ए और एंड एंगल एम ओ एन को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हमारा जो ये जो क्यू आर की जो लाइन है ये एम आर एन ए को और एम ओ एन को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड, भाई हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ जंप करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो या तो कुछ स्टेप्स नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोस्तों बहुत ईजी है, हमें क्या पूछा है, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग को सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, आप लोग भी अपने फेयर बुक या जो इसमें भी आप करोगे उसमें बना लेना इस तरीके से, एक आप सर्कल में ऐसे बना रहे हो, आप लोग राउंडर से बनाओगे तो आप लोग का सही बैठेगा। इसका सपोज सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। अभी सर्कल से यहाँ पे देखो क्या बोला है, टू पैरेलल टेंजेंट, तो यहाँ से क्या क्या गया, दो पैरेलल टेंजेंट लाइन गई है, तो हमने टेंजेंट बना लिया। आप लोग सब स्केल से बनाना, ऐसे मत बनाना, हमारा सेंटर है। फिर हमें क्या बोला, ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, अभी इसका ये रेडियस होगा और कितना 4.5 सेंटीमीटर का दिया। फिर क्या पूछा, जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो। क्वेश्चन समझो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमारा ये जो इतना जो 4.5 तो इस टेंजेंट का, तो इस दोनों टेंजेंट का कितना होगा हमें वो पता करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, हमें सबसे पहला फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट दोस्तों करना है हैविंग रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है, हैविंग रेडियस को। तो हमारा जो रेडियस हमारा कितना, सबसे हैविंग रेडियस से पहले आपको रेडियस मालूम है, देखो 4.5 को लिखा है, हैविंग रेडियस 4.5, तो अच्छा अभी आप इसको लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, वहाँ पर दिया है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो अभी हमारे क्या है, यहाँ पर अभी इसको आप नाम दे दो, ओ दे दिए, ए दे दिए, बी दे दिए, यहाँ पे सी दे दिए, अभी आप यहाँ पे एक्स वाई जेड भी कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ओके, हमको ए बी का पता करना था, हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए ओ। अगर हमें ए बी पता करना है तो हमें पहले या ए बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए ओ करना ही पड़ेगा, ए बी हमें पता नहीं है, 2 और ए ओ पता है।
आप ले सकते हो या यहाँ पे बीओ भी ले सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे बीओ लिया, तो बीओ कितना है 4.5, तो हमारा ए भी कितना हो गया 2.48 और 0.5 तो हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर। आपका ये हो गया फाइनल आंसर, आपका ए भी मिल गया 9 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। आपका इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरी तरीके से होता है सॉल्व। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।